हाँ, हम पेट संबंधी आपको जानकारी दे रहे हैं। लाइट गुल हो गई थी, भाग चार आगे प्रसारित करते हैं। हाँ, तो हम बता रहे थे 10 तोला पुदीने के कुनकुने रस में 9 माशा शहद और 4 माशा सेंधा नमक डालकर पीने से आमाशय के दोष ठीक होते हैं। और देखिए, उल्टी हो सकती है एक, और ये पीड़ा मिट जाती है। बबूल के गोंद का पानी पिलाने से भी आमाशय और आंतों की पीड़ा मिटती है। बबूल के कोमल पत्ते, जहाँ बबूल का नाम आता है देसी बबूल, बबूल के कोमल पत्ते, काली मिर्च और मिश्री, इनको पीस छान के पीने से पेट में आमाशय से यदि ब्लडिंग भी हो रही है तो वो बंद होगी। बबूल के कोमल पत्ते, काली मिर्च और मिश्री, इनको छान करके ठंडाई की तरह पिलाने से आम की गुठली का सेका हुआ गिर खाने से आंतों का ढीलापन मिटता। जिनकी आंतें दर्द करती है और आंतें ठीक नहीं काम करती, तो जो हम आम खाते हैं, आम के आम और गुठली के दाम, उसकी गुठली को निकाल के उसको सेक लीजिए और इतना इतना टुकड़ा 2-3 दिन में दफा में खाइए आप, इससे आपकी आंतें बिल्कुल ठीक होगी। अब रहा सवाल पेट के अंदर के हिस्से में स्वेलिंग, सूजन और जलन, इसके मिटाने के लिए पतंग वृक्ष का क्वाथ पिलाना चाहिए। पतंग नाम का एक वृक्ष होता है, और चांगेरी के पत्ते घोटकर ठंडाई की तरह पिलाने से भी अंदर की अंतर दाह यानी जलन मिटती है। सौंठ को जीरे के साथ खाने से भी पेट की दाह यानी कि जलन मिटती है। जो कई लोग आते हैं कि मेरा पेट जलता है, मेरा पेट जलता है, उनके लिए खीरेंटी के रस का क्वाथ से सिद्ध किए एरंड के तेल को 20 बूंद दूध में डालकर पीने से आफरा, शूल और जिनके अंडकोश तक बढ़ जाते हैं वो भी ठीक होंगे। मंदांगिनी और आफरा मिटाने के लिए हींग, कपूर, काली मिर्च की गोली छोटी सी बना के देना चाहिए। सनाई बकरी के पेशाब में देने से पेट की सूजन खत्म होती है। ज्वार के आटे की राबड़ी रात में बनाकर रख दें, सवेरे उसमें थोड़ा सफ़ेद जीरा और मट्ठा मिलाकर पीने से पेट संबंधी जलन खत्म हो जाएगी। कितना सरल नुस्खा है, ज्वार के आटे की राबड़ी, ये घर में औरतें बनाना जानती है, है ना, तो इसको बना करके और रख दें मैं, और सुबह उसके अंदर थोड़ा सफ़ेद जीरा और थोड़ा मट्ठा ये डाल करके पीने से पेट संबंधी जलन ठीक होती है। पित्त पापड़े के रस में दूध और मिश्री मिलाकर पीने से भी पेट की जलन शांत होती है। अब हम आते हैं हाइपर एसिडिटी, अम्ल पित्त जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर, ये होने के कारण आप जानते हैं अधिक खटाई खाना और ये पूरी कचौरी इस तरह के गरिष्ठ खाना खाने से ये एसिडिटी का रोग होता है। बचने के उपाय, इससे बचने के उपाय घरेलू, एसिडिटी होने वाले रोगी को सोना गेरू बारीक पीस कर 4 मासा सुबह शाम लेने से आराम आता है। ये बिल्कुल सत्य है, आजमाया हुआ। देखिए, जो आजमाया हुआ है उसको हम ऐसा ही बोलेंगे। सोना गेरू पंसारी के यहाँ मिलती है, सोना गेरू उसको कहते हैं कि जिस खान से सोना निकलता है यानी कि स्वर्ण निकलता है अमेरिका या जहाँ कहीं भी, तो उस खान की जो मिट्टी होती है उसमें सोने का अंश रहता है। हाँ, तो वो पंसारी यहाँ बड़ी चीप सस्ती मिलती है, तो ये पीले कथई रंग की आती है, मेरी काम में ली हुई है। तो ये सोना मुखी एसिडिटी वाले रोगी को सोना मुखी ला करके उसका पाउडर बना लेवे और 4 मासा सुबह शाम पानी के साथ लेने से, 5-7 दिन लेने से एसिडिटी में आराम मिलता है बहुत। और एक प्रयोग हम इसका बताते हैं। हम एक संत के पास गए, उस वक्त हमें हाइपर एसिडिटी बड़ी भयंकर थी। देखिए, हम चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन हमारी ये आवाज़ जिंदा रहेगी, ये नुस्खे आपको फिर और कोई नहीं बताएगा, हम बताते हैं। हम कुछ साथ लेके नहीं जाना चाहते। हाँ, तो हमें हाइपर एसिडिटी का बड़ा अटैक था, सब तरह की हमने दवाइयाँ की, और ये बड़े महत्वपूर्ण की बात है, जो नहीं सुनेंगे तो देखिए आप क्या कर सकते हैं। हाँ, तो हम एक संत के पास जाते थे, बेंजो बजाते, उनको भजन सुनाते थे। तो हमने कहा, बाबा हमें ये तकलीफ है, तो उन्होंने कहा, बेटा 1 रुपये की, उस ज़माने में 1 रुपया मायना रखता था, आठाने की, तुम सोना गेरू का टुकड़ा ले आओ, तो देसी भाषा में ये जो
सोना गेरू जो होती है, सोने में खदान की जो मिट्टी, इसको सोना गेरू बोलते हैं देसी भाषा में। तो हम 1 रुपए का इतना बड़ा टुकड़ा ले आए। तो उन्होंने कहा बेटा तुम जो पानी पीते हो तुम्हारी मटकी अलग रखो गर्मी का टाइम, और ये टुकड़ा उसके अंदर डाल दो, इसका पाउडर मत बनाओ। मैंने कहा फिर बाबा क्या करना है? कहा कुछ भी नहीं करना, वही पानी पीना, और जब ये टुकड़ा 2-3 दिन में खत्म हो जाए तो फिर नया टुकड़ा डाल दो, और कुछ नहीं करना। तो हमने करीब 20-30 दिन तक ये प्रयोग किया। आप ताजुब करेंगे, हमारी एसिडिटी ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। ये प्रयोग कोई भी कर सकते हैं। अब सामने गर्मी है और घरों में मटकियां भी है, और पंसारे के यहाँ से सोना गेरू ले आइए, 8 आने की 1 रुपए की इतनी बड़ी डली एक मटकी के अंदर डाल दीजिए बस, और आपको कुछ नहीं करना, वो पानी पीना है। और दूसरे दिन पानी चेंज करो तो उस डली को निकाल के रख दो, पानी भर के फिर उस डली को उसमें डाल दो, वो जब खत्म हो जाए डली तो फिर नई डली डाल दो। अब इससे सरल और क्या नुस्खा हो सकता है? इसकी कोई भी फार्मेसी दवा नहीं बना सकती, क्योंकि ये घरेलू प्रयोग है और सिद्ध प्रयोग है। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम। एसिडिटी वाले को 3 मासा अजवाइन नींबू के रस और अदरक के रस के साथ देने से आराम मिलता है। काली मिर्च और छेना नमक का चूर्ण खाने से भी एसिडिटी ठीक होती है। निशोथ और आंवला 3-3 मासा सुबह शाम लेने से एसिडिटी ठीक होती है। निशोथ ये एक वनौषधि होती है, और इसके साथ आंवला, ये 3-3 मासा सुबह शाम लेने से एसिडिटी खत्म होती है। तो ये शहद के साथ लेने से देखिए दस्त खुलासा आएगी, और जो एसिड यानी कि अम्ल जिसको बोलते हैं वो मल के द्वारा, लेट्रिन के द्वारा वो बाहर निकल जाएगा। तो वो जब आपका वो मल बाहर निकल जाएगा, अम्ल बाहर निकल जाएगा, तो फिर एसिड बनेगा ही नहीं, एसिड इतना ही बनेगा जितनी शरीर को आवश्यकता है। तो ये प्रयोग बड़ा प्यारा है। सौंठ तथा जवाखार को गर्म पानी के साथ थक्की लेने से ये भी एसिडिटी में फायदा करता है। जीरा और धनिया, बोलिए अब इससे सिंपल और क्या बताएं आपको। जीरा और धनिया का चूर्ण 3-3 मासा मिश्री में मिलाकर 2 बार पानी गुनगुने पानी के साथ लेने से हाइपर एसिडिटी में आराम मिलेगा। हाँ, अब भी ये देखिए जिनका ये कहीं लोगों को अब आप आजकल नहीं मानते हैं, हम कहीं चलते हैं तो ऊंचा नीचा पांव गिर जाता है, इससे हमारी जो आते हैं वो कुछ सरक जाती है। इसको देसी भाषा में धरण और पेटूजी कहते हैं, देसी लोग गांव के लोग इसको ये कहते हैं। तो उसको वो कोई ना कोई देसी इलाज से ठिकाने लाते हैं और रोग ठीक हो जाता है। इनकी दवाइयां हम बताते हैं। दही के साथ समुद्र फल खाने से ये तकलीफ ठीक होती है। समुद्र फल का हींग के साथ लेप करने से ये आंतें अपना काम सही करती है। यदि दाहिनी तरफ की आंत दर्द करती हो तो बाएं पिंडी की नाड़ी को दबाने से आराम मिलेगा, और यदि बाएं तरफ आंत दर्द करती हो तो दाहिनी पिंडी की नाड़ी को दबाने से आराम मिलेगा। ये एक टोटका है। 1 नींबू फाड़ के और 1 मासा शुद्ध सुहागा उसमें भर के गर्म करके चूसने से भी आंतें जो भारी है, दर्द करती है, नाभि जो टल जाती है उसमें बोलते हैं, वो ठीक हो जाएगी। 1 मासा नख खींचनी गुड़ में मिला के खाने से भी आराम आता है। कच्चे नींबू का छिलका खाने से बाडी का पेट फूल मिटता है। अब पेट का क्या है साहब, क्या बताएं, ये तो बड़ा भारी पिटारा है। हमें भी बहुत, हमने अभी तक किसी बीमारी के 4 भाग प्रसारित नहीं किए, इसके करने पड़ रहे हैं। हाँ, एसिडिटी और जलन की वजह से अगर पेट में दाह हो, जलन हो, तो प्याज का रस उसका लेप करने से आराम मिलता है। गिलोय और एरंड के बीज का लेप करने से आराम मिलता है। जलन वाले रोगी में गेहूं के आटे का लेप करने से आराम मिलता है। तुलसी के रस का मालिश करने से पेट में आराम मिलता है। और 1.5 मासा हरड को गुड़ में मिलाकर गर्म पानी के साथ लेने से भी पेट की जलन शांत होती है। शरीर की गर्मी मिटाने के लिए अंजीर को मिश्री के साथ लपेट कर खाना चाहिए। पुनर्नवा को शक्कर के मिश्री के साथ लेने से भी एसिडिटी खत्म होती है।
गोरख मुंडी की एक तोला जल पीस के मट्ठे में पीने से भी ये रोग ठीक होता है, और अजवाइन दो मासा लौंग के क्वाथ के साथ लेने से भी पेट दर्द और पेट संबंधी कई रोग ठीक होते हैं। तीन मासा अजवाइन जामुन के रस के साथ लेने से भी पेट की कई बीमारियां ठीक होती है। अब देखिए अपेंडिक्साइटिस, मेरी बात सुनिए, ये तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन ये नुस्खे बहुत पहले के लिखे हुए हैं, उस वक्त डॉक्टर नहीं थे मौजूद, तो कोई करे नहीं, डॉक्टर की शरण ले। मैं राय देता हूँ अपेंडिक्साइटिस वाले को डॉक्टर के पास फौरन जाना चाहिए, फिर भी कोई ऐसी जगह आदमी फंस जाए डॉक्टर नहीं हो तो अपेंडिक्साइटिस के पके हुए जामुन का सिरका 7 मासा तक पिलाने से इस प्रकार की तकलीफ में आराम होता है। 1 मासा जायफल खाने से भी आफरा और मिट कर थोड़ा आराम मिलता है। देखिए इसके बारे में और ज़्यादा हम दवाई नहीं बताएंगे। अपेंडिसाइटिस, इस जो आंतों में स्वेलिंग हो जाती है वो उसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, तो इसको डॉक्टर निकाल देते हैं तो बहुत जल्दी आराम मिलता है। अगर इसमें विलम्ब किया जाए तो देखिए आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। इसमें आप ये नुस्खे काम में न लेकर के अपेंडिक्साइटिस का जहाँ सवाल है डॉक्टर के शरण जाइए। और ये हमने पेट संबंधी प्राय आपको कई दवाइयाँ बताई है, और इनके अंदर जहाँ तक है कई दवाइयाँ, मेरा जहाँ तक अपना अनुभव है कि मैंने जितने 4 भाग के अंदर दवाइयाँ बताई है तो आधी घरेलू है और आधी पंसादी के यहाँ मिलने वाली है, और कुछ ऐसी वनौषधियाँ हैं जो आज की तारीख में वो जैसे बारिश के अंदर पैदा होगी तो बारिश में मिलेगी। तो यदि किसी को, सज्जन को, किसी रोगी को, किसी भी पेशेंट्स को, किसी को भी, किसी वैद्य को भी, कोई को भी, मेरे पास कल एक कटनी के वैद्य का फोन आया कि मेरे को आयुर्वेद के बारे में समझाया जाए, तो हमने आधा घंटा उसको समय दिया। कोई भी मेरे से पूछ सकते हैं, हम तहे दिल से उनको सारी जानकारी देंगे, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि हमें साथ में कुछ भी लेके नहीं जाना। अरे हम जब साथ में कुछ लेके ही नहीं आए हैं तो हम लेके कैसे जा सकते हैं, आप बताइए, मैं गलत कहता हूँ? धन्यवाद।